झरिया थाना क्षेत्र के कोरी बांध से 17 क्विंटल अवैध पीडीएस का चावल जब्त किया गया। पन्ना लाल साव नामक व्यक्ति द्वारा छोटा हाथी वाहन में प्लास्टिक की बोरी में चावल पलटी कर ले जाया जा रहा था, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली। एक और, सरकार कोरोना काल में गरीबों के लिए सरकार पीडीएस के माध्यम से दुगने राशन मुहैया करा रही है, ताकि कोई भी गरीब भूखा ना रहे, जिसके तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिया जा रहा है। लेकिन कोरोना काल को अवसर मानते हुए पीडीएस माफिया जमकर चावल और गेहूं का काला बाजारी कर रहे हैं। पीडीएस दुकान से बिचौलिया माल लेकर दूसरी जगह ले जाकर बेचते हैं। शुक्रवार सुबह झरिया पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि छोटा हाथी वाहन में प्लास्टिक की बोरी में चावल पलटी कर ले जाया जा रहा है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने वाहन को पकड़ा और जब्त कर बस्ता कोला टीओपी ले आई। वहीं मामले को खाद्य आपूर्ति विभाग को जानकारी दी गई। मामले में एमओ के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान एमओ निर्मल सिंह ने बताया कि छोटा हाथी में पीडीएस का चावल छोटी बोरी में पलट कर लोड किया हुआ है। चावल 17 क्विंटल है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हमको इन्फॉर्मेशन मिला, सूचना मिला अपर दंडाधिकारी विधि व्यवस्था द्वारा कि एक गाड़ी पकड़ाई है जिस पर पीडीएस का चावल लदा हुआ जो कि बास्ता कोला चौकी में है। उस क्रम में मैं जांच में पहुंचा तो एक छोटा हाथी जो है जिसका नंबर है JH10BW1509, जिस पर 34 पैकेट प्लास्टिक के सिलाई बोरे में 34 पैकेट में सिलाई किए हुए पैकेट में 17 क्विंटल चावल पाया गया। तो किसी गिरफ्तारी है? किसी या गिरफ्तारी है, जैसा कि थानादार से बात हुई झरिया थाना बड़ा बाबू से, उन्होंने बताया कि केवल टेम्पो पकड़ाया है, ड्राइवर छोड़ के भाग गया। सर ये चावल किसका था ये तो जानकारी होगी? कैसे जानकारी है इसको तो अभी तो जांच कर रहे हैं थाना प्रभारी, इसके समझ में कि किसका है चावल। नाम लिया है सर पन्ना लाल का? किसी का नाम तो हमारे पास तो अभी कोई है नहीं, तो हम क्या बता सकते हैं। हम तो जांच करने जा रहे हैं, थाना पकड़ा है। हम तो लगातार इस तरह का पीडीएस का काला बाजारी हो रहा है, ये तो जहां भी संज्ञान में आता है धर पकड़ होता है। हम लोग उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करिए रहे हैं। पूरे झरिया में ये पछवा केस होने जा रहा है।